गुप्ता, आप देख रहे हैं लाइव भारत न्यूज खबर बिहार से। भागलपुर पुलिस के समापन के अवसर पर भागलपुर पुलिस द्वारा आईएमए के सहयोग में पुलिस परिसर में स्वास्थ्य सह रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। देखिए हमारे संवाददाता विमल कुमार की रिपोर्ट। वहाँ से लिखवाना होगा 200 मिलियन। अरे वो ओडीएम से लिखेगा ना, ये लिखा है पहला बच्चा है, फिर पूजा कुमारी दस्तखत करेगी ना। ओडीएम से लिखवाएगा, सेवा पुस्तिका लिखेगा। क्या बच्चा है, नाम लिखते हैं रक्तदान का सप्ताह चल रहा है इन लोग का, पुलिस लाइन का, तो इसी के लिए इन लोगों ने अलग अलग ज़िले में अपना ब्लड डोनेशन कैंप और भी बहुत सारा कैंप की जागरूकता के लिए कराए हैं। जैसे कि भागलपुर में अभी ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है यहाँ पे, और इसमें अभी तक 14-15 यूनिट डोनेट हो चुका है, और भी होने की संभावनाएँ हैं। और इसी तरह से अगर ये लोग कराते रहेंगे जितना, अगर पुलिस बल में भी, क्योंकि ब्लड का ज़रूरत तो सभी को पड़ता है, इन लोगों को खासकर पड़ता है, क्योंकि हम सफरिंग पर रहते हैं, बहुत से एक्सीडेंट में अपने भी इंजोर होते हैं, तो उसमें फ़ायदा होगा इन लोगों को। और साथ में से ये एक समाज सेवा है, और इसका फ़ायदा सभी को मिलेगा। कब तक चलेगी ये सेवा? अभी 4 बजे तक चलना चाहिए। सुबह कितना बजे टाइम? सुबह 8 ही बजे से ब्लड डोनेशन कैंप स्टार्ट हो चुका था, और अभी तक चलाना। और 3 भी 14-15 हुआ है जी, और लगभग 25 के आसपास जाने का संभावना है। कितने जिले में ये चालू है अभी तक? अभी ये तीन, भागलपुर में 3 जगह है, एक भागलपुर है, एक नौगछिया है, और एक बांका है। ये तीनों जगह कैंप चल रहा है। ये भागलपुर का, और हैंड टू हैंड सर्टिफिकेट का एक कार्ड दिया जा रहा है, जो 1 साल तक वैलिड रहेगा। किसी को भी जरूरत पड़ेगा वो कार्ड लेकर के आएंगे, और उनको ब्लड उनके बदले में दिया जाएगा। तो अभी तक कितना, शाम में कितने बजे तक चलेगी यहाँ पर? तो 4 जब तक चलता रहेगा हम लोग लेते रहेंगे ब्लड। जब आदमी ख़त्म हो जाएगा जेने के लिए, तो हम लोग फिर यहाँ से क्लोज कर लेंगे। ऐसे 4 बजे तक हम लोग का टाइम। आपका शुभ नाम सर? जी मेरा नाम साजिद अख्तर है। साजिद अख्तर,